दोस्तों, मेरा नाम जनन चतुर्वेदी। दोस्तों आज हम बात करेंगे एच बीम पोल पे कंक्रीटिंग कैसे कैलकुलेट की जाए जब पोल इरेक्शन का वर्क अगर मान के चलिए टाउन एरिया में हो रहा है ना, आईपीडीएस स्कीम के तहत होगा। तो अगर एच बीम पोल जहां पर भी यूज किए जा रहे हैं, है ना, ये हो सकता है सब स्टेशन में यूज किए जा रहे हो। सब स्टेशन जैसे बनता है जो आउट गोइंग फीडर निकलते हैं वहां पर 11 मीटर का पोल यूज किया जाता है ना, या मान के चलिए जहां भी वर्क हो रहा है ना, आईपीडीएस स्कीम में 13 मीटर का पोल यूज किया जा रहा है ना 11 केवी लाइन के लिए, तब आप कंक्रीटिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आखिर कॉन्ट्रेक्टर ने कंक्रीटिंग कितनी की हुई है। मान के चलिए जब क्या होता है, एक्चुअली टेंडर प्रोसेस होती है ना, टेंडर में क्या होता है, क्लाइंट ने मान लीजिए उसने अप्रूव्ड किया कि कितना सीएमटी मिलना है एचबीएम पोल पे, एचबीएम में कितनी कंक्रीटिंग मिलनी है, यहां पर 0.6 सीएमटी, कितने में, एक पोल में, एक एचबीएम का अगर पोल है तो वहां पर कितनी कंक्रीटिंग मिलनी है 0.6 सीएमटी। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि कॉन्ट्रेक्टर जो है ना, उसने 0.6 सीएमटी कंक्रीटिंग की है या नहीं की है। अगर आपका वर्क, आपका वर्क किस चीज का है, का वर्क को चेक करने का है ना, इंस्पेक्शन का वर्क है, तब आप कैसे पता लगाओगे कि उसने इतनी कंक्रीटिंग की है नहीं की है। उसके लिए देखिए क्या है, अगर एचबीएम पोल की बात की जाए तो एचबीएम पोल का क्या होता है, एचबीएम पोल कितना इसका जो वेट होता है एक मीटर का, वो कितना होता है, क्योंकि ये मान लीजिए अगर आपका एचबीएम पोल है तो इसके एक मीटर का वजन कितना होता है, 37.1 केजी पर मीटर, ठीक है ना, एक मीटर का वेट होता है। तो अगर ओवरऑल हम 13 मीटर के टर्म्स में अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 482.3 केजी, क्लियर है ना। अब इसी तरह से अगर 11 मीटर के टर्म्स में बात की जाए तो इसका वजन कितना हो जाएगा, कैसे निकाले भाई, हमने निकाला 37.1 इंटू मल्टीप्लाई कर दिया 13 से, और एक इसी तरह से 37.1 इंटू मल्टीप्लाई कर दिया 11 से, तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 408.1 केजी, है ना। ये तो हमने समझा इसका वजन कितना होता है। अब हमको निकालना क्या, हमको कैलकुलेट करना है इसकी कंक्रीटिंग। तो देखिएगा अब कंक्रीटिंग के लिए क्या करेंगे, कंक्रीटिंग के लिए मान लीजिए जैसे कि कंक्रीटिंग कहे के माध्यम से गड्ढा कैसे होगा, पिट डिगिंग कैसे होगी, पिट डिगिंग या जिसको बोले हिंदी पे गड्ढा, तो वो कैसे होगा, उसको गड्ढा करने के लिए जब आप पोल इरेक्शन कर रहे हैं तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप हाइड्रा की जरूरत पड़ेगी, है ना, हाइड्रा के माध्यम से गड्ढा होगा या तो गड्ढा मैनुअली होगा। अब मान लीजिए गड्ढा अगर हाइड्रा के माध्यम से हो रहा है, ये सपोज करिए यहां पर क्या है, एक गड्ढा हुआ ऐसा, ठीक है, ये गड्ढा हो गया। अब जब उसने गड्ढा किया तो वो गड्ढे का शेप आप देखेंगे कि ये मान के चलिए ये पोर्शन आ गया, ठीक है, यहां से ये पूरा ऐसा आ गया, ठीक। अब इसमें क्या है, यहां पर मान लीजिए इसका डाया कितना है, ये इसका जो डाया है वो कितना है, वो है आपका 500 mm, ठीक है। मान लीजिए उसने किससे, हाइड्रा के माध्यम से गड्ढा किया, तो गड्ढे का जो डाया आ रहा है आपने टेप के माध्यम से क्या कर लिया, चेक कर लिया, तो वो आपका कितना आ रहा है, 500 mm आ रहा है। इसी तरह से आपने क्या किया, इस पार्ट को चेक किया, ये कितना रहा है, ये भी 500 mm आ रहा है, ठीक है। अब अगर मान के चलिए आपका कितने मीटर का पोल है, 13 मीटर का पोल है, तो जो इसका डेप्थ होगा वो कितना होगा, 2 मीटर हो जाएगा, क्लियर बात। तो अब आपको क्या करना है, इसका भाई आपको कंक्रीटिंग निकालनी है, तो कंक्रीटिंग का मतलब ये, कंक्रीटिंग में क्या, सीएमटी हम फाइंड आउट करते हैं, मतलब क्या है, क्यूबिक मीटर निकालना है, तो क्यूबिक मीटर मतलब क्या, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट या डेप्थ का पार्ट हो गया। तो देखो भाई ये कितना हो गया, इसको अब ये 500 mm लिखा है, तो एक मीटर को अगर आपको mm में बदलना है तो कितना करना पड़ेगा भाई, 1 mm को अगर आपको यहां पर मीटर में बदलना है तो आप डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, तब तो ये मीटर में कन्वर्ट होगा, क्लियर बात है ना। तो जब देखो कितना दिया, 500 mm, तो आप क्या करोगे, 500 डिवाइडेड बाई 1000, तो कितना आ जाएगा भाई, आपका यहां पर 0.5 आ जाएगा, ये 5 × 5 = 10.5, तो मतलब यहां पर ये कितना आ जाएगा, इसका मतलब ये लेंथ इसकी 0.5, ये वाला पार्ट है ना, और ये विड्थ जो इसकी है ये, तो ये कितना, ये भी 0.5, क्योंकि 500 बाई 500 का गड्ढा है, क्लियर है ना। या और ये इसकी जो गहराई है वो कितनी है, वो है आपकी 2 मीटर, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई,
25 दूना 50 मतलब कितना आ जाएगा, इसका वॉल्यूम ये 0.5 सीएमटी आ गया, क्लियर ना, 25 दूना 50 है ना। अब ये कंक्रीटिंग कितना दिया हुआ 0.6 सीएमटी। अब इस पे क्या है, मफिंग का भी पार्ट है मान लीजिए, तो ये यहां से, अब ये मान लीजिए यहां से ये पोल ऐसा आया हुआ है अंदर तक, ठीक है। अब ये यहां से क्या हुआ, इस पोर्शन से लेके ये मफिंग, यहां से फर्मा लगा दिया गया और फर्मा के माध्यम से है ना, देखेंगे आप ऐसा गोला गोला रहता है, ये फर्मा के माध्यम से मफिंग कर दी गई। मफिंग कितनी की गई, यहां पर जो मफिंग की गई उसका कितना है, ये 1 फीट मफिंग हुई है ना, 1 फीट में आपका ये मान लीजिए 304.8 अप्रोक्स अपन लेके चल रहे हैं, 300 mm मान लीजिए यहां पर इसने क्या कर दिया, मफिंग कर दिया, ठीक है। और इसका डाया इसने कितना ले लिया, ये वाला जो पार्ट है इसने ले लिया कितना, 250 mm, ठीक है, क्योंकि जो एज पर इसने ले नहीं लिया, इसका एज पर स्टैंडर्ड जो होता है आरईसी की गाइडलाइन के मुताबिक कितना होगा, 1 फीट है ना, तो 1 फीट तो ये हो गया, लेकिन इसका डाया कितना रहेगा, 250 mm। तो जब 250 mm हुआ भाई, तो देखो अब ये आप इसका भी फाइंड आउट कर लीजिए लेंथ विड्थ और इनटू हाइट के अनुसार, तो इस पे क्या करेंगे आप, कितना दिया भाई इसका डाया कितना, 250 mm है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 250 का मतलब 0.25, क्लियर, इनटू कितना हो जाएगा 0.25। इसी तरह से इसका और इसका दोनों का आ जाएगा, जैसा पार्ट यहां बताया सेम इसके पैरेलल में ये, तो इस तरह से इसका चूंकि जब मफिंग किया तो 1 फीट इसने मफिंग कर दी और इसका डाया इसने कितना रखा, 250 भाई 250 का, और इनटू कितना हो जाएगा भाई आपका, इनटू हो जाएगा आपका 0.3। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कैलकुलेट, मैं कैलकुलेटर के माध्यम से डायरेक्ट कैलकुलेट कर देता हूं, 0.25 × 0.25 × 0.3 तो कितना गया भाई, 0.01875 आ रहा, अपन दो डिजिट तक ले लेंगे। तो अब इसका वॉल्यूम ओवरऑल सीएमटी कितनी आ गई भाई, आप इसमें क्या करिए, 0.5 + 0.0187 इसको आप ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा भाई आपका, आ जाएगा 0.5187, मतलब ओवरऑल इसमें कितनी कंक्रीटिंग है। अगर इसके टर्म्स में आप बात करोगे, अगर आपका कितना 500 × 500 का इसका डाया है, तो इसकी कंक्रीटिंग कितनी है, 0.5187 ना कि 0.6 CMT है, क्लियर बात ना। तो जब आप कॉन्ट्रेक्टर को दोगे तो आप कितनी कंक्रीटिंग उसे दोगे, आप उसे बोलोगे भाई आपकी इतनी ही कंक्रीटिंग हुई है और हम आपको इतनी कंक्रीटिंग दे पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अब अगर मान के चलिए उसकी पूरी कंक्रीटिंग 0.6 CMT कब आएगी, जब यहां पर क्या हो, उसका पूरी कंक्रीटिंग कब आएगी, इसको मैं थोड़ा सा रफ करूंगा, उसकी पूरी कंक्रीटिंग कब आएगी दोस्तों, उसकी पूरी कंक्रीटिंग तब आएगी जब वो यहां पर कितना करे, 540 × 540 का अगर गड्ढा हो जाए, है ना, ये जो है जैसे 500 mm मारा ना तो 0.54 आ जाए, है ना, 540 × 540 और इंटू 2, तो ये देखो भाई इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर हमने किया 0.54 × 0.54 × 2, ये पॉइंट कितना आ गया, 0.5832, तो ये आपका आ गया 0.5832, ठीक है। और इसके अलावा अब ये तो सेम ही चीज रहेगी, तो इस पे तो बदलाव होना नहीं है, ये कितना आपका आया था, ये आपका आया था 0.01875, अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए भाई, तो देखिए हमने इस पे क्या किया, 0.5832 और प्लस हमने कर दिया कितना, 0.01875, कितना आ गया भाई आपका आ गया 0.6 CMT, है ना, 0.60, ये आपका क्या आ गया, अगर आपका गड्ढा 540 × 540 का होगा, है ना, और 13 मीटर के पोल के लिए यूज किया जा रहा होगा, क्योंकि 13 मीटर के पोल में उसकी जो गहराई होती है एज पर आरईसी गाइडलाइन, क्योंकि उसका छठवां हिस्सा अंदर जाता है ना, तो छठवां पार्ट जब अंदर जाएगा पोल का, है ना, तो उसका 2 मीटर होगा, है ना, एज पर आरईसी गाइडलाइन 2 मीटर होगा, तो यहां से आपकी क्या आ जाएगी, 0.60 CMT आ जाएगी, क्लियर बात ना, 0.6 CMT कैसे आएगा। अब तो ये बात हुई 13 मीटर के पोल के लिए, अब अगर मान के चलिए 13 मीटर का पोल ना होके यहां पर कितना होता, सपोज करिए 11 मीटर का पोल होता, अभी तो हमने 13 मीटर के टर्म्स में ये कंडीशन पढ़ ली, अब हमने लिखा भाई 11 मीटर का भी पोल अगर यूज किया जा रहा, तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो 11 मीटर के पोल में भाई कुछ नहीं है इसका, ये तो डाया वही रहेगा भाई, हाइड्रा तो चेंज नहीं हो जाएगा, उसी हाइड्रा से अगर कर रहे हैं, है ना, तो 500 × 500 का ही डाया है। अब उसमें क्या होगा, उसके केस में अगर ये तो 13 मीटर के टर्म्स में ऐसा हो गया,
है ना, ये पोजीशन अगर 11 मीटर का होगा तो इसका जो ये डेप्थ हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 1.8 मीटर, है ना। इसकी जो गहराई होगी एज पर आरईसी गाइडलाइन, क्योंकि 11 को अगर आप डिवाइड करोगे इसका छठवां हिस्सा पोल का क्या है अंदर जाता है तो आप पाएगा 1.8, है ना, और आरईसी गाइडलाइन के मुताबिक भी। तो ये आपका 1.8, तो आप यहां पर क्या कर दोगे 1.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जितना आ जाएगा वो आपका यहां पर क्या ये तो आ ही जाएगा। देखो इसको भी 11 मीटर के केस में आप समझ लीजिए, 11 मीटर के केस में आपका क्या हो जाएगा, अब अगर आपको मान लीजिए 11 मीटर का पोल है, ठीक है ना, पोल का हमने क्या अभी पहले 13 मीटर देखा था, 11 मीटर, तो 11 मीटर के केस में क्या होगा, 11 मीटर का अगर एच बीम पोल है ना, तब आप इसका कंक्रीटिंग कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखो भाई आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ना, तो वॉल्यूम में आपका डाया कितना था 0.5 इंटू 0.5 और इंटू आपका कितना हो जाएगा 1.8। तो अब आप इसको क्या करिए, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए भाई कितना हुआ 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.8, क्लियर ना, ये कितना आ गया भाई 0.45 आ गया, है ना। और इसका अब ये चूंकि ये तो चीज सेम ही है, अब अगर मान के चलिए 11 मीटर का भी पोल है, एक फिट मफिंग एज पर जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स होता है ना, जो उसमें लिखा होता है अगर आप पढ़ेंगे, है ना, वॉल्यूम वन में, तो उस पर यह चीज क्या लिखी हुई है, अगर आपका ये कितना एक एक फिट की मफिंग की जा रही उसमें भी, है ना, और डाया कितना 250 mm का है, तब के केस में अगर ये ऐसा केस बन रहा है तब आपका क्या हो जाएगा भाई, ये सेम चीज यहां भी आ जाएगी, वॉल्यूम उसी तरह से आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये तो इसके लिए हुआ मफिंग का वॉल्यूम, ये आ गया कितना गया 0.1875। अब अगर हम इसको ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा भाई, इसमें हमने प्लस कर दिया पॉइंट कितना था 0.01875, मतलब इससे कितना आ गया, इसकी जो कंक्रीटिंग हो रही है 0.46875 ना कि 0.6 CMT हो रही है, क्लियर बात ना। इस तरह से क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। अब अगर इस केस में बात की जाए कि भाई कैसे आएगा पूरी कंक्रीटिंग 0.6 CMT कैसे आएगा, ये तो हमने देख लिया कि अगर 500 बाई 500 का गड्ढा है तब कितना हो रहा है ना। अब अगर मान के चलिए पूछा जाए कि भाई कितना करना पड़े कि भाई पूरी पूरी कंक्रीटिंग आ जाए, तब देखो भाई क्या करोगे, अब यहां पर अगर उसके कैलकुलेशन के आधार पे निकालना है ना, तो ये कितना होना चाहिए, इसका वॉल्यूम 0.57 इंटू 0.57, है ना, इंटू कितना 1.8, तो देखो भाई 0.57 है ना इंटू 0.57 इंटू 1.8 कितना आ गया आपका, आ गया 0.58482, है ना। और ये आपका कितना दिया हुआ है मफिंग का वॉल्यूम, तो बदलेगा नहीं क्योंकि हमको मान के चलिए आप 13 मीटर का पोल है 11 मीटर का पोल है, आपको एक फिट मफिंग करनी है ना, और उसका जो डाया है वो कितना है 250 बाई 250 का है, 250 mm, क्लियर ना, है ना। तो इसको अब ये यहां पर तुम्हारा कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने इनको मीटर में कन्वर्ट करना आपको बता दिया था, 250 mm को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.25 हो जाएगा, है ना। तो अब आप देखो इसका कितना आया वॉल्यूम, इसका आया है आपका 0.1875, अब आप इसको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई 0.1875, तो आपका कितना आ गया, सॉरी ये यहां पर आपका 0.58482 प्लस आपका आ गया 0.01875, तो ये आपका कितना आ गया भाई 0.6 CMT आ गया। तो इस तरह से क्या आएगा 0.6 CMT, क्लियर, 0.60 CMT जितना कि इसमें मिलता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अगर हमें कंक्रीटिंग फाइंड आउट करना है, आइदर एच बीम का पोल है अगर मान लीजिए 13 मीटर है या 11 मीटर है, तो उसकी कंक्रीटिंग मैंने दोनों परिप्रेक्ष्य बता दिए कि अगर आपको किसी ने मान लीजिए 500 बाई 500 का गड्ढा किया है तो उसके आधार पर उसकी कंक्रीटिंग कितनी बन रही है ना, और उसको एक्चुअल कितना करना चाहिए जिससे कि उसकी पूरी कंक्रीटिंग कवर हो जाए। अब हमने तो ये मान लीजिए 0.6 CMT के टर्म्स में बताया, अगर मान लीजिए 0.65 दिया हो, वो डिपेंड करता है क्लाइंट ने कितनी कंक्रीटिंग दी हुई है, तो उसके आधार पे आप इस तरह से क्या है कैलकुलेशन कर सकते हैं और आपको एग्जैक्ट कंक्रीटिंग पता चल जाएगी कि अगर उसने नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक काम किया हुआ है, वो काम चेक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी अगर आपका इंस्पेक्शन का वर्क है तो, है ना, तभी आप देखोगे। तो वो चीजें क्या है, आप इस तरह से कंक्रीटिंग पता कर सकते हैं कि कॉन्ट्रेक्टर ने कितनी कंक्रीटिंग की हुई है और उसको हम कितनी कंक्रीटिंग दें, है ना। और आप कोई भी अगर कहीं भी आपको कंक्रीटिंग कैलकुलेट करना हो, यहां अगर
0.6 है, 0.55 हो, 0.65 CMT हो, उसके आधार पे भी आप निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको कंक्रीटिंग के कैलकुलेशन की में इस वीडियो के माध्यम से जरूर फायदा होगा, है ना। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करिएगा, और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।